नमस्कार दोस्तों, मैं मंशु सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी ग्रामर के लिंग चैप्टर के बारे में बताऊंगा। लिंग होता क्या है, इसके कितने भेद हैं, पूरा जानकारी मैं दूंगा लिंग के बारे में। लिंग के बारे में पूरी जानने के लिए आपको ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना होगा। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पार्ट हैं। निर्जीव पदार्थ में देखें मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं, माता रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनिया, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है, अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं, सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में देख लेते लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है, भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ठीक है आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है, अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है, पर्वत के नाम में देख लेते हैं, हिमालय, विद्यांचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है, देशों के नाम देख लेते हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं, अमरुद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं,
गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। और अपवाद में देख लेते, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। रत्नों के नाम में देख लेते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक, पांत्रा, मोती, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फूलों के नाम है, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम दे दे, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग हैं। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं, अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, पुल्लिंग महासागर हैं। वर्णमाला में देख लेते हैं, क ख ग घ त थ अ उ आदि जो शब्द हैं ये सारे पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग क्यों है, ई, बरी, ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, अक्रांत संज्ञा क्या, जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि, ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खानदान, पिकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। अ आ आव, पा पन क त आबा तथा औरा से अंत होने वाले संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से जैसे पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन। तो ये सारे शब्द जो हैं वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है, और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं, लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं, हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि, ये शब्द हैं पुल्लिंग है, ठीक है। औरा से देख लेते हैं, पकोरा, हथौरा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं ना पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिद्ध, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गिद्ध, कौवा, कवि, साधु इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं, 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा, तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। आप चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में, ठीक है। स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक
उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं, से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं, अश्विनी, रेवती, मिग्रिसा, चित्रा, वर्गिनी, रोहिणी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं, मेवाती, ब्रज, खरी बोली, बुलंदली, ये सारे स्त्रीलिंग बोली है। नदियाँ का नाम देते हैं, रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, राबी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि, ये जो नदी हैं सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं लिपियों के नाम देख लेते हैं, देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। पुस्तकों का नाम है कुरान, रामायण, गीता, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। तिथियों का नाम देख लें, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। आहार का नाम देख लेते हैं, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। अपवाद में हलवा, अचार, रायता, ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सारे स्त्रीलिंग है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर भी लगातार भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ से लेते भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग हैं। ता से देख लेते हैं, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये सारे ता से शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग हैं। आई से देख लेते हैं, सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि, ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देख लेते हैं, सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट, ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं, कुटिया, बुढ़िया, चीरियां, बिंदियां, टिबिया इत्यादि, ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से देख, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कबराहट, ये सारे आहट से बनते हैं। शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग यहीं खत्म होता है, ठीक है। आगे कुछ नोट्स मैं बना रखा हूँ, मैं नोट्स बताता हूँ, ठीक है। नोट्स, हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है पूरा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है,
ठीक है। अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। से बर्फ, मेहमान, शिशु, दोष इत्यादि, इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लिंग के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।